लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकार ने सुबह 7 बजे से शाम 7:45 बजे तक या 2 पारियों में सार्वजनिक पार्क शर्तों के साथ खोलने की छूट दे दी है। राजधानी जयपुर में भी मंगलवार से सार्वजनिक पार्क खोल दिए गए। पहले दिन पार्क में लोग टहलते हुए नजर आए, लेकिन जयपुर में सबसे बड़े सेंट्रल पार्क पर शाम के समय लोगों को निराशाहत लगी। हालांकि पार्क सुबह सात से दस बजे तक के लिए खोला गया, लेकिन शाम के समय पार्क को नहीं खोला गया। बाहर एक बैनर लगाया गया जिस पर सेंट्रल पार्क के खुलने का समय अंकित है। इस दौरान पार्क में टहलने के लिए पहुंचे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गार्ड का कहना था कि शाम को पार्क नहीं खुलने का आदेश दिया गया है। बुधवार से नियमित तौर पर पार्क निर्धारित समय पर दोनों पारियों में खुलेगा। सरकार जो है लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और चौथे चरण में लगातार छूट दी जा रही है, इसमें जो है पार्क भी शामिल है। तो सरकार की ओर से कल जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक पार्क खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जयपुर के सबसे बड़े पार्क सेंट्रल पार्क में खड़े हैं। JDA की ओर से यहां पर जो है बैनर लगाया गया है, इसमें लिखा हुआ है पार्क के जो खुलने का समय है वो प्रातः 7 से 10 बजे और सायं 4 बजे से 6:45 बजे, यानी सरकार ने जो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6:45 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था उसमें ये बात कही गई थी कि 2 पारी में पार्क खोला जा सकता है, यानी एक सुबह की और एक शाम की। चूँकि अधिकतर लोग जो है सेंट्रल पार्क में लगातार टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पर 2 महीने से ये पार्क बंद पड़े थे, अभी कुछ जो है यहाँ पर लड़कियाँ भी पहुँची हैं पार्क में टहलने के लिए, लेकिन उनको अंदर आने नहीं दिया गया है। बताएं आप यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन और सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, लेकिन पार्क वगैरह के लिए अभी भी परमिशन नहीं मिल रही है। जो पोलो क्लब है वहाँ भी हम गए थे, लेकिन वहाँ भी लॉक वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ भी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है जाने की, यहाँ आए तो यहाँ भी आने के लिए मना कर दिया है। तो बाकी अभी जिम वगैरह हर चीज़ बंद है, तो मतलब कहाँ जाए वर्कआउट करने के लिए, रनिंग करने के लिए, हर जगह बोलते परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। सरकार की गाइडलाइन आती है कि ये ओपन हो गया, वो ओपन हो गया। इनकी भी समस्या है क्योंकि सरकार ने जब आदेश दिया है, क्योंकि सब जो जिम वगैरह वो भी बंद है, तो नियमित तौर पर जो यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, जो अपने जो स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखने के लिए लोग जो है नियमित तौर पर यहाँ आते थे, उनके लिए समस्या है। तो इनको उम्मीद है कि कल सरकार ने जो कहा है तो आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी ये कुछ और भी हैं। बताएं किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं अभी तक। जी हमें रनिंग के लिए हमें जाना होता है रोज़। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी तक सब बंद है, जिम भी अभी ओपन नहीं हुए, अलाउड नहीं हुआ है। हम लोग पोलो क्लब जाके आए हैं, वहाँ भी हमें अलाउड नहीं किया गया जाने के लिए। हमें आज पता चला था कि ये ओपन होगा, पर अभी भी ये अलाउड नहीं कर रहे हैं, जबकि कहा था कि आज अलाउड हो जाएगा। गार्ड जो है वो बैठे हैं और उनसे हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हमें ये कहा गया है कि आज शाम को नहीं खोला जाए, कल खोला जाएगा। और जो है कल इनको भी उम्मीद है कि ये पार्क खुलेगा, तो ये लोग यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी जो नियमित तौर पर जो है यहाँ पर रोजाना आते थे उसका लाभ दोबारा जो है इस वॉकिंग का लाभ है वो यहाँ पर मिल पाएगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV।